नमस्कार, अपना उल्लासनगर न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रही आज की गतिविधियां। उल्लासनगर 3 स्थित पेट ऑक्सफर्ड हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर द्वारा रोटरी साइंस फेयर का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में पेट ऑक्सफर्ड हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का भरपूर सहयोग रहा। आज दिनांक 11 फरवरी हम लोग यहां पे पेट ऑक्सफर्ड स्कूल में रोटरी साइंस फेयर का ऑर्गेनाइज किया गया है रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर के थ्रू। हमारे साथ हैं उल्लासनगर क्लब के प्रेसिडेंट श्री दिनेश डंडालिया, रोटेरियन श्री गुल आडवाणी और हमारे साथ हैं चीफ गेस्ट प्रकाश शाह जी, ये गवर्नर के प्रिंसिपल एड हैं, और हमारे साथ हैं चीफ ट्रस्टी किशोर निचलानी सर हमारे स्कूल के। रोटरी साइंस फेयर में उल्लासनगर के सभी स्कूल्स को इनवाइट किया गया था। 10 से ज़्यादा स्कूलों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 125 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लगभग 50 के करीब प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले किया है। स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा उत्साह था साइंस की तरफ और यही ये प्रोजेक्ट का एम था। रोटरी क्लब उल्लासनगर की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो बच्चों का स्टूडेंट्स का हिडन टैलेंट है क्रिएटिविटी का, उसको सोचते हुए हमने साइंस फेयर का आयोजन किया और 10 से ज़्यादा स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट। सराहना की उन्होंने, हम पेट ऑक्सफर्ड स्कूल का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसमें हमें पूरा सहयोग दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। आज पेट ऑक्सफर्ड स्कूल में साइंस फेयर का एग्जीबिशन हुआ है जो रोटरी क्लब वालों ने किया है, बहुत बढ़िया किया है। उनकी तरफ से हमें बहुत कोऑपरेशन मिला है, 10 स्कूलों ने पार्ट लिया है, करीबन 50 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे बच्चों ने मेहनत की है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया और काफ़ी पेरेंट्स भी खुश होके गए क्योंकि ये उनकी एक ग्रोथ है जो रोटरी के थ्रू आ रही है। Oil spill is the release of liquid petroleum hydrocarbon in ocean or sea water. Many marine lives destroyed due to oil spill. Oil spill also causes water pollution. So for the conservation of the natural sources and marine lives, we made this project. In our project, we have demonstrated the method of separating oil. So, our body strong and fit. Along with that, we must also drink
शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री हरेश कृष्णानी जी का जन्मदिन उनके कार्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित थी। उल्लासनगर जिला सचिव श्रीमती रेशमा बोबड़े द्वारा भी उल्लासनगर 4 स्थित ओटी सेक्शन में हल्दी कुंकू का आयोजन किया गया। Thank you.
रेशमा परीक्षित नवले बोबडे. माझं पद आहे महिला मोर्चा जिल्हा सचिव. मी इथे आज हळदी कुंकवाचा प्रोग्राम साजरा केला. जवळजवळ 500 ते 700 महिला होत्या हळदी कुंकवासाठी आणि महिला मोर्चाची पूर्ण टीम आणि आमच्या महापौर मीणा ऐलानी मॅडम, त्याचबरोबर आमच्या मंडळ महिला अध्यक्ष मंगला मॅडम ह्याही इथे उपस्थित होत्या आणि बाकी सर्व पदाधिकारी आणि महिला शक्ती ग्रुप यांनी इथे उपस्थिती दाखवून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. त्याचबरोबर माझ्या सगळ्या भगिनींनी पण इथे येऊन शोभा वाढवली. बीजेपी अंबरनाथ शहर अध्यक्षा श्रीमती सुजाता दिलीप बोईर द्वारा अंबरनाथ में हल्दी कुंकू का आयोजन किया गया. आइए देखते हैं. माझं लग्न 2004 झालं. तेव्हा जेव्हा मी लग्न करून इथे जेव्हा आली बारकुपाड्यामध्ये, तेव्हा मी बोलले इथे कोणी ज्याच्या ज्याच्या आपापल्या घरी असतात, इथे काही होत नाही, कोणी कोणाच्या घरी जात नाही, कुठले प्रोग्राम्स होत नाही. तेव्हा मी माझ्या माहेरी सगळे महिला मंडळ वगैरे असे सगळे कार्यक्रम होत असतात, तर मी इकडे आल्यानंतर मी इकडेही ती प्रथा चालू केली. पहिलं मी महिला मंडळ काढले 2004
महिला मंडळ काढल्यानंतर त्याच्यातून आम्ही विविध शिबीर हळदी कुंकवाचे कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम आम्ही करायला लागलो. आता आम्हाला 14 ते 15 वर्ष झाली आमचा हा कार्यक्रम सतत चालू आहे आणि महिला पण खूप उत्साहाने एन्जॉय करत असतात. खूप कामं आम्ही एकमेकींना मदत करत असतो. सगळ्या महिला आमच्या बचत गटाच्या महिला काही बचत गटातल्या महिला व्यवसाय करतात. सगळं आमचं वेगवेगळं असं बचत गटाच्या मार्फत चालू आहे. आणि आता तर जेव्हा आम्ही पक्षामध्ये आलो भारतीय जनता पक्ष पार्टीमध्ये, आता मी महिला शहर अध्यक्ष आहे भारतीय जनता पार्टीची. आणि आता आम्ही जेव्हा आम्हाला माहिती पडलं, कारण की आम्ही घरात असायचो आता आम्हाला माहिती नाही पडायचं, तर आता आपले माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी जी नवीन योजना जी बचत गटासाठी काढली महिलांसाठी, ती अत्यंत एवढी प्रिय चांगली आहे की ज्याच्यातून महिलांना एवढी मदत होते. तर तेव्हा आम्ही 9 बचत गट पहिला आम्ही नगरपालिकेशी कनेक्ट करून घेतले. आता त्याच्यातून आम्ही लोन घेऊन महिला आमच्या व्यवसाय करत आहेत आणि चांगला त्यांना भारी पडतं, कारण की व्याज भरायला लागत नाही. जेवढी त्यांनी रक्कम काढली तेवढीच त्यांना भरायचे, परत जास्तीची पेड नाही त्यांना करायचे. म्हणून आम्ही खूप आभारी आहोत आपले भारताचे जे लाडके पंतप्रधान आहेत मोदीजी. म्हणून माझं मी एक संदेश आणि एक मेसेज तुम्हाला देऊ शकतं की आपल्या देशासाठी आता जे काय आपलं झालं 55 महिन्यामध्ये काय करता येत नाही, आपल्याला पण एवढं करता येत नाही. जेवढं त्यांनी नरेंद्र मोदींनी जे 55 महिन्यामध्ये जेवढं केलंय काम ते अउल्लेखनीय आहे, कारण की त्यांच्यासारखं कार्य कोणीच करू शकत नाही. आत्तापर्यंत आम्ही बघतोय की नरेंद्र मोदी साहेबांनी एवढं काम केलं आणि आम्हाला अक्षरशः रडायला येतो. का एखादा माणूस जो रात्रंदिवस एवढं काम करतो, जे 4 तास झोपतोय माणूस, तरी लोक त्यांना एवढं बोलतात, पण त्यांच्या कामापुढे लोकांची काहीच हे नाही. म्हणून आता जे नंतर पुढचे जे पंतप्रधान होणार आहेत ते नरेंद्र मोदीच असतील. म्हणून मी माझ्या सगळ्या महिलांना विनंती करते की आता जी एप्रिल महिन्यात जी लोकसभा येते त्याला प्लीज प्लीज आणि मनापासून सांगते सगळ्यांना की पंतप्रधानांना आपल्या नरेंद्र मोदी साहेबांना मतदान करा. आणि हे नरेंद्र मोदी साहेबांना मतदान नाही, आपल्या देशासाठी आपल्या ज्या मुलांच्या भविष्यासाठी आपल्याला मतदान करायचे आहे. म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना माझी विनंती आहे की नरेंद्र मोदी साहेबांनाच मतदान करा. आणि सगळ्या इथे ज्या माझ्या महिला आल्या आहेत, ज्या हळदी कुंकवाला आणि जे विविध इथे कार्यक्रम झालेले आहेत, ते खूप खरंच आमचे दरवर्षी होत असतात आणि खूप महिला उत्साहाने भाग सहभागी पार्टिसिपेट करत असतात. म्हणून त्यांची मी सगळ्यांची आभारी आहे ज्या माझ्या महिला एवढ्या मनापासून एवढ्या सगळ्या आलेल्या आहेत इथे. आणि आता तरी 7-8 महिला असतील आणि याच्या पुढे अजून चालू राहतात. 10 वाजेपर्यंत 10:30 जरी 6 प्रोग्राम जरी असला आपल्या तरी चालू राहत असतात. परत आपला शिवगंगानगरला पण सुद्धा असतो हळदी कुंकवाचा प्रोग्राम, अंबरनाथ गौरव पुरस्कार, तेव्हाही महिला खूप उत्साहाने येत असतात. आणि आता मी एकच सांगू इच्छिते तुम्हाला की जी आपली पुढची जी लोकसभेची आहे, प्लीज सगळ्यांना मी मनापासून विनंती करते की कमळाचाच बटन दाबा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, भारत माता की जय. उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी शांति प्रकाश हॉल में खानदेश मराठा पाटिल समाज का वार्षिक सम्मेलन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया. आइए देखते हैं. Thank you.
उल्हासनगर 3 स्थित नवजीवन बैंक में समाज सेवक शीतलदास हरचंदानी व बच्चाराम रूपचंदानी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए लेते हैं इस बारे में अधिक जानकारी दादा शीतलदास हरचंदानी से। उसके बाद में भी वो नहीं भरता है तो हम केस जो है दाखिल करता है यार के पास कलम के अंदर और वो डिग्री मिलती है। डिग्री के बाद इसके बीच में अगर वो लोन भरते जाता है तो हमको एक्शन नहीं लेता है, लेकिन लोन नहीं भरता है तो फिर हम एक्शन लेते हैं। उनका जो प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी है वगैरह उसका जब्ती करना वगैरह वो देते हैं। वासु ने लोन दिया और एक किस्त भर के और फिर बंद कर देती है, फिर उसको 3 नोटिस दिया, फिर वो जो है AR के पास हमने केस दाखिल किया तो आप वो पैसा नहीं भरा, नहीं सर फिर हमने उसका जो है प्रॉपर्टी जो है हमारे पास रखी है उनको हमने जब्त किया, वो हमारे कब्जे में है। जाने के रहते वो लोग है क्योंकि वो ये घर है अगर वो हमारे कब्जे में है और वो पैसा नहीं भरा तो हमने FIR दाखिल किया। उसने क्या किया वो गलत स्टेटमेंट देना व्हाट्सएप भेजना ये करना वगैरह तो फिर हम लोगों ने वो FIR दाखिल किया है और FIR जो है हमको मिली है। दादा लोन कौन से साल में लिया गया था वासु से? वासु को लोन कौन से साल में दिया गया था? 14-15 में उसके ऊपर। तो कितना लोन दिया गया था दादा? 50 लाख। उसमें से कितना किस्त भरा है उन्होंने? 1-2 लाख भरा है उसने। अच्छा ओके ठीक है ओके। मकसद ये था कि गते 2-3-4 महीनों से वासु को या जो जिन्होंने हमारे बैंक से लोन लिया था वो डिफॉल्टर था, उनके ऊपर हमने जो कार्रवाई की वो की थी, कानूनी कार्रवाई की थी। उन्होंने जैसा ही लोन लिया तो उन्होंने बोला ये हमारा जो लोन है उसका ब्याज कम करो, फिर बोला हमारा ये वो करो। उन्होंने बोला कि ये जो आपकी लिस्ट आई है जय कल्याणी और मिश्रा की तरफ से अगर उनको आप माफ़ कर सकते हो हमें क्यों नहीं करते। उन्होंने बहुत सारा दबाव दिया, बहुत सारे सोशल मीडिया में गलत लिखा तो हम पुलिस चौकी में भी कंप्लेंट किया था लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ तो हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट के आदेश के उनके ऊपर FIR दाखिल है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि जो भी कुछ कानून से होगा उसके ऊपर होगा। ओके ओके ये पर तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके परिसर में घट रही है कोई अप्रिय घटना और आप उसे पहुंचाना चाहते हैं प्रशासन तक तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए अपना उल्हासनगर न्यूज़। धन्यवाद।